हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग और वेलकम बैक। और हम दोबारा से आ गए हैं अपने काइनेमेटिक्स के लेक्चर को लेकर। और अब तक काइनेमेटिक्स में हमने क्या किया बच्चों, अब तक हमने काइनेमेटिक्स में जस्ट बेसिक पढ़ा है कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, ये सब क्या होता है, इनकी इक्वेशंस क्या होती हैं। आज हम इन सबको ग्राफ से समझेंगे। तो ग्राफ एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके काइनेमेटिक्स के अंदर, क्योंकि एक बार ग्राफ रीडिंग अगर आपको आ गई तो कई क्वेश्चन तो आप ग्राफ को सिर्फ पढ़कर ही सॉल्व कर दोगे। पेन कॉपी उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ग्राफ से ही सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। तो मैं हूं सक्षम वत्स, आपका फिजिक्स टीचर, और करते हैं आज का अपना लेक्चर शुरू। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ग्राफ को। तो सबसे पहले ग्राफ के बेसिक पार्ट को पढ़ेंगे, फिर मिक्सअप ग्राफ पढ़ेंगे कि किस तरह से कौन से ग्राफ बनाए जाते हैं और कैसे उनको हम एक्यूमुलेट करते, कैसे उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो एक बार शुरू करते हैं अपने ग्राफ के इस टॉपिक को। तो सबसे पहले हम ग्राफ पढ़ेंगे फॉर पोजीशन टाइम ग्राफ, फॉर यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ हमने ड्रॉ करना है फॉर यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो, यूनिफॉर्म मोशन बहुत अच्छे तरीके से हम पढ़ चुके हैं। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जिसके अंदर कोई भी वेलोसिटी में चेंज ना है, सिंपल सी बात है। यानी कि अगर मेरी कोई बॉडी है वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, तो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड रहनी चाहिए, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा तो मोशन कैसा कहलाएगा, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब ऐसा होगा कब, जब इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर होगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ऐसा ही होगा ना। तो मान लो कंसीडर एन एग्जांपल कि एक बॉडी है जो ओ से एक्स तक जा रही है, यहां से यहां तक जा रही है, ओ से एक्स तक। मान लो बॉडी ने ओ से चलना शुरू किया है, एक्स तक पहुंच गई, टाइम जीरो था तो बॉडी ओ पर थी, जब टाइम टी वन हो गया तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक का एक्स वन हो गया, जब टाइम टी टू हो गया तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो गया एक्स टू, ये पॉइंट ए ये पॉइंट बी, ठीक है। टी वन टाइम पे बॉडी ने एक्स वन डिस्टेंस कवर कर लिया था, और टी टू टाइम पे बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया था, एक्स टू। अब जरा इसको ग्राफ में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ग्राफ सबने बनाया हुआ है पहले भी। अब मैं वाई एक्सिस में ले रहा हूं पोजीशन को, इधर ले ली मैंने पोजीशन, यानी के पोजीशन को एक्स से डिनोट किया तो एक्स, इधर ले लिया मैंने टाइम एक्सिस को टी। तो स्टार्टिंग टाइम जीरो है, जीरो पे डिस्प्लेसमेंट भी कितनी है, जीरो, यहीं से शुरू हुआ ना, तो ये पॉइंट हो गया। अगर मान लो यहां से आगे से शुरू होता तो यह 10 मीटर 20 मीटर 30 मीटर कोई ना कोई पॉइंट आ जाता, वहां से ग्राफ शुरू होता। बट इन दिस सिचुएशन अपना ग्राफ कहाँ से शुरू होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो फिर ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं। अब ओरिजिन से स्टार्ट करते हुए जब टाइम t1 हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, x1, मान लो ये x1 है और ये अपना टाइम हो गया t1, तो एक पॉइंट ये आ जाएगा। जब टाइम t2 हो तो डिस्प्लेसमेंट कितना, x2, तो ये हो गया x2, और मान लो ये अपना टाइम हो गया T2, T2 टाइम पे X2 डिस्प्लेसमेंट, ये पॉइंट हो गया। इस पॉइंट को, इस तीनों पॉइंट को मिला देंगे तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा, अ स्ट्रेट लाइन इनक्लाइन टू टाइम एक्सिस। तो ये ग्राफ बना फॉर यूनिफॉर्म मोशन, जब बॉडी यूनिफॉर्मली मूव करेगी तो इस तरह का ग्राफ हमें देखने को मिलेगा। चलो इस ग्राफ को थोड़ा सा और डिटेल से पढ़ते हैं। इस पॉइंट को यहाँ मिला दो, दिस पॉइंट ए बी सी डी ई, हेयर एफ, हेयर जी, दिस पॉइंट इज ओ। अब देखो, जब भी ग्राफ आपसे पूछा जाएगा तो ग्राफ में दो चीज़ें पूछी जाती हैं, एक होता है ग्राफ का स्लोप और एक होता है ग्राफ का एरिया। अभी तो यहाँ हम पहले बेसिक पढ़ते हैं कि निकालते कैसे हैं, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि किसी भी ग्राफ का स्लोप कैसे निकाला जाता है और एरिया कैसे निकालते हैं। देखो, इसी ग्राफ में अगर हम थोड़ा सा पढ़ें, हमें पता है यूनिफॉर्म मोशन के अंदर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होता है ना, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन।
यानी कि v का फॉर्मूला होता है एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन टी टू माइनस टी वन, पहले पढ़ चुके हैं। v होता है एक्स टू माइनस फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, यानी फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। v इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू कितना है ओ से एफ, माइनस एक्स वन कितना है ओ से जी, टी टू कितना है ओ से लेकर डी तक, माइनस टी वन कितना है ओ से लेकर ई तक। जरा देखो इसे, ओ एफ, ओ एफ ये ना ओ एफ, ओ एफ में से ओ जी माइनस कर दो, ओ एफ माइनस ओ जी, ओ एफ में से ओ जी माइनस कर दें तो ये जी एफ बचेगा। और जरा यहाँ देखो ओ डी, ओ से लेकर डी, इसमें से माइनस कर दो ओ ई, ओ डी में से ओ ई माइनस करेंगे तो क्या बचेगा ई डी। अब जी एफ एग्जैक्टली बी सी के इक्वल है, हम इसको लिख सकते हैं बी सी, और ई डी एग्जैक्टली किसके इक्वल है ए सी। तो अगर मैं ये एंगल थीटा मान लूँ तो इस ट्रायंगल में ए बी सी में टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि बी सी अपॉन ए सी। देखो ये है बी सी अपॉन ए सी, तो कुल मिला के मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, टेंजेंट थीटा। और जब भी किसी ग्राफ का आप टेन थीटा निकालते हो उसी को बोलते हैं स्लोप ऑफ ग्राफ। तो इसका मतलब क्या हुआ, हेंस स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट वेलोसिटी। तो देखो स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ क्या हो गया, वेलोसिटी। तो ये एक रिजल्ट आया जो कई बार पूछा जाता है कि व्हाट डज स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। एक बहुत बेसिक बात बता रहा हूँ अभी मैं, उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ेंगे हम। तो इसमें क्या आ रहा है कि स्लोप क्या बताएगा, स्लोप बताएगा वेलोसिटी। एनी टाइम आपने कभी भी वेलोसिटी कैलकुलेट करने की, जैसे मान लो क्वेश्चन आ जाए भाई ये एक्स टी ग्राफ है, एक्स टी ग्राफ ये दो बॉडी का है, ये ए बॉडी ये दूसरी बॉडी बी, इसमें सिंपल सिर्फ ये पूछा है विच वन हैज़ ग्रेटर वेलोसिटी, किसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ आप देखो किसका स्लोप ज़्यादा है, स्लोप ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी, दैट मीन्स वी ए इज़ ग्रेटर देन वी बी, ए की वेलोसिटी बी से ज़्यादा होगी, सीधी सी बात है। जिसका स्लोप ज़्यादा, हायर द स्लोप हायर विल बी द वेलोसिटी, लोअर द स्लोप लोअर विल द वेलोसिटी। इस तरह इसमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर टी एक्स ग्राफ दे दिया, उल्टा दे दिया, सेम ग्राफ ऐसे ही स्ट्रेट लाइन बनानी है ए और बी के लिए, तो यहाँ क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बी इज़ ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ई, इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी, इसमें जिसका स्लोप ज़्यादा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा। तो यहाँ क्योंकि टेन थीटा यहाँ क्या होगा v, और यहाँ टेन थीटा क्या होगा वन अपॉन v, ये अंतर है बेसिक। और भी एक अच्छा सवाल कई बार पूछ लेते हैं, यही एक्स टी ग्राफ दे दिया और मान लो ये दे दिया 60 डिग्री आपको, ये दे दिया 30 डिग्री, बोला वेलोसिटी ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ बी का रेशियो बताओ, ये ए है ये बी है, तो आप बता दोगे कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, ये 60 डिग्री है 30 डिग्री मीन्स टेंजेंट 60 डिग्री एंड टेन 30 डिग्री, खाली 60 बाय 30 नहीं कर देना, ये एंगल स्लोप नहीं है एक्चुअली में टेन थीटा स्लोप है। तो टेन 60 बाय टेन 30, टेन 60 कितना होता है रूट 3 और टेन 30 होता है 1/√3, तो ये जगह 3:1, ये इसका वेलोसिटी का रेशियो आ जाएगा। तो कुल मिला के क्या है कि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमेशा क्या बताएगा आपको, वेलोसिटी। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कह सकते हो आप, सिंपल वेलोसिटी भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो यूनिफॉर्म का है, अगर मान लो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ आएगा, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा, चाहे वो यहाँ से स्टार्ट हो चाहे यहाँ से स्टार्ट हो चाहे यहाँ से स्टार्ट हो कहीं से भी स्टार्ट हो, वो मोशन यूनिफॉर्म है तो पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन रहेगा। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है, किसी कर्व के फॉर्म में आ रहा है, तो दैट मीन्स वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी सिमिलर वे में जब स्लोप निकालेंगे तो वेलोसिटी आएगी, बट वहाँ हम बोल देते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यहाँ भी इंस्टेंटेनियस बोल दोगे तो गलत नहीं, क्योंकि यहाँ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और सिंपल वेलोसिटी की वैल्यू एक ही आएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और के बारे इसमें पूछा जाता है, कैन स्लोप ऑफ पोजिशन टाइम ग्राफ बी नेगेटिव, या ये कहते हैं कि पोजिशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या नेगेटिव कभी हो सकता है। तो यस इट इज़ पॉसिबल, हाँ हो सकता है जब वेलोसिटी नेगेटिव होगी।
तो स्लोप पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव होगी। क्लियर होगी बात? ये सिंपल मैंने अभी बेसिक बताया, अभी मैं सिर्फ सिंपल सिंपल आपको ग्राफ समझा रहा हूँ, फिर और डिटेल में इसको करते हैं। तो एक बार पॉज करके नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, नोट कर लिया होगा। अब ये तो था पोजीशन टाइम ग्राफ। अब अगर इसी तरह बिल्कुल सिमिलर वे में मैं जरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ को अगर पढ़ूं, ड्रॉ करूं आपके सामने, तो मैं यहां क्या लिख दूंगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब फॉर यूनिफॉर्म यहां सीधा आ जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि जब भी देखो वेलोसिटी में चेंज आएगा, अगर वेलोसिटी में चेंज आएगा तो क्या बनेगा, एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। तो इसका भी ग्राफ कुछ ऐसा ही बनेगा, वही सेम सिचुएशन। मान ली ओ से एक्स जा रहे हैं, स्टार्टिंग में जो है मेरी यहाँ वेलोसिटी कुछ नहीं थी, जब टाइम टी वन हो गया तो मेरी वेलोसिटी हो गई वी वन, जब मेरा टाइम टी टू हो गया तो मेरी वेलोसिटी हो गई वी टू। ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बिल्कुल वैसा ही बनेगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये स्ट्रेट लाइन, ये ओ पॉइंट, यहाँ से कोई भी एक पॉइंट ले लो, ये टाइम टी वन है तो ये वेलोसिटी वी वन हो जाएगी। ये मैंने पहले ग्राफ बना दिया, बाद में ड्रॉ कर रहा हूँ पॉइंट, ठीक है, सिमिलर वे में है इसलिए पहले बना दिया। बिल्कुल सेम देखो, ग्राफ भी वैसा ही आया है, ओ ए बी सी डी ई एफ एंड जी, ये एंगल मैंने मान लिया थीटा। अब हमें पता है कि ग्राफ के अंदर छोड़ो, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी यानी कि वी टू माइनस वी वन अपॉन टी टू माइनस वी वन, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। अगेन इस ग्राफ में वी टू देखोगे कितना है ओ एफ, वी वन कितना है ओ जी, टी टू कितना है ओ डी, टी वन कितना है ओ ई, देखो जरा टी वन टी टू, ओ एफ में से ओ जी माइनस कर दो क्या बचेगा जी एफ, ओ डी, ओ डी में से ओ ई माइनस कर दो क्या बचेगा ई डी। अगेन क्या आया आपके पास, जी एफ इज इक्वल्स टू बी सी एंड ई डी इक्वल टू ए सी, एंड बी सी बाय ए सी इक्वल टू टेन थीटा, दैट मीन्स स्लोप ऑफ ग्राफ। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पिछला जो ग्राफ था वो पोजिशन टाइम ग्राफ था, तो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो वेलोसिटी आएगा, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालोगे तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है। अब बात ये आती है कि कई बार स्लोप कितना याद रखे, क्योंकि आगे और भी बहुत सारे ग्राफ्स आएंगे, किसका स्लोप कैसे याद रखोगे, तो स्लोप निकालने का बड़ा आसान तरीका होता है। स्लोप हमेशा क्या होता है, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन यानी कि चेंज इन कोऑर्डिनेट्स ऑफ वाई एक्सिस डिवाइड बाय चेंज इन कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स एक्सिस। तो कुल मिला के जैसे हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था ग्राफ में, डी वाई बाई डी एक्स वही स्लोप होता है ना, यानी कि वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस से डिवाइड कर दो। जैसे यहाँ वेलोसिटी है, यहाँ टाइम है, तो चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। और पोजिशन में कहता चेंज इन पोजिशन बाय चेंज इन टाइम, पोजिशन बाय टाइम क्या होता था, वेलोसिटी। तो इस तरह से आप बता सकते हो कि स्लोप किसके इक्वल होगा, और कैलकुलेट भी कर सकते हो, न्यूमेरिकल भी करेंगे इसका। तो एक बार ये ध्यान में आ गया सबको। अब इसी ग्राफ में एक मैं दूसरी चीज निकाल दूं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हमें पता है, एवरेज वेलोसिटी इनटू में टाइम। अब एवरेज वेलोसिटी क्या है, वी वन प्लस वी टू अपॉन टू, एवरेज वेलोसिटी, टाइम कितना लगा तो टी टू माइनस टी वन। अब वी वन कितना है ओ से लेकर जी, ओ जी प्लस वी टू कितना है ओ एफ, और वन बाय टू ले लो बाहर, इनटू में टी टू माइनस टी वन, ओ डी माइनस ओ ई, ओ डी माइनस ओ ई, ये किसके इक्वल आएगा, हाफ। अब देखो ओ जी एग्जैक्टली ए ई के इक्वल है, ओ जी एग्जैक्टली ए ई के इक्वल है, और ओ एफ, ओ से एफ किसके इक्वल है, बी से डी के, OD माइनस OE, OD माइनस OE कितना बच गया, ED। अब ज़रा ध्यान से देखो ये क्या है, हाफ। ये हमारा क्या बना हुआ है, एक ट्रेपीजियम बना हुआ है जो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये
एक ट्रेपीजियम आपको नजर आ रहा है। ट्रेपीजियम के एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? हाफ इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड क्या है, ए और बी डी पैरेलल साइड है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ईडी। ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ईडी है, ठीक है। तो इसे मैं लिख सकता हूं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए ई डी सी बी, ए ई डी सी बी, ये जो ट्रेपीजियम बना इसका एरिया। तो कुल मिला के इस इंटरवल में मेरे पास क्या कैलकुलेट होके आ गया, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि टी टू माइनस टी वन इंटरवल में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ इस पर्टिकुलर रीजन का एरिया। तो अगर मुझे यहां से लेके यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कवर करना निकालना होता तो मैं इसका एरिया भी निकाल दूंगा। तो कुल मिला के क्या बात है कि कोई भी ग्राफ हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, उस ग्राफ का अगर पर्टिकुलर आप एरिया निकाल दोगे जिस भी टाइम इंटरवल के अंदर, तो आपका क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट, और स्लोप क्या बताएगा, एक्सेलरेशन, ठीक, जस्ट सिमिलर टू पोजिशन टाइम ग्राफ, ठीक है। तो मैंने बताया स्लोप निकालने के लिए वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस से डिवाइड करना होता है, एरिया निकालने के लिए वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस से मल्टीप्लाई करना होता है, सिंपल सी बात है। और जो रिजल्ट आएगा वही उसका आंसर होता है। जैसे मैंने कहा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताएगा, तो तुम सीधा कर दोगे वेलोसिटी इनटू में टाइम क्या होता है, वेलोसिटी इनटू में टाइम डिस्प्लेसमेंट, तो इसका एरिया क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट। अब इसका कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, एक बार पॉज करो और नोट करो फटाफट। चलो तो देखो एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लो अपने पास ये एक्स टी ग्राफ गिवन है, पोजिशन टाइम ग्राफ गिवन है इस तरह से, ये जीरो, मान लो ये टेन, ये ट्वेंटी, ये जीरो, ये टेन, ये ट्वेंटी, ये थर्टी। अब देखो क्वेश्चन ये है, ओ ए बी सी, हमें बताना है फाइंड वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी इन रीजन फर्स्ट ओ ए, ए बी और बी सी, इन तीनों रीजन में वेलोसिटी फाइंड आउट करके बतानी है। देखो चलो कैसे निकालेंगे, देखो हमें पता है ये पोजीशन टाइम ग्राफ गिवन है भाई, एक्स टी ग्राफ गिवन है, एक्स टी ग्राफ का स्लोप यानी कि हमें ये एंगल देखना होता है, एंगल तो गिवन नहीं है, एंगल नहीं गिवन तो हमें ये तो पता है टेन थीटा निकालना है। तो अगर मैं ओ टू ए देखूंगा तो ओ टू ए यानी कि वेलोसिटी किसके इक्वल होगी, स्लोप। अब स्लोप का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, यानी वाई एक्सिस की चीज़ में से माइनस कर देंगे एक्स एक्सिस वाली चीज, एक्स में टाइम है तो यहाँ टाइम का डिफरेंस आ जाएगा, यहाँ पोजीशन का डिफरेंस आ जाएगा। तो देखो क्या आएगा, यहाँ वाई की वैल्यू देखो कितनी है, फाइनल वाई टू फाइनल होता ना, यहाँ वाई कितना है टेन, माइनस यहाँ से शुरुआत है यहाँ का, ये फाइनल या इनिशियल, यहाँ वाई कितना है जीरो, यहाँ फाइनल टाइम कितना है टेन, इनिशियल टाइम कितना है जीरो, तो टेन बाय टेन कितना हुआ वन, तो वेलोसिटी आ गई वन मीटर पर सेकेंड, ठीक है, वन मीटर पर सेकेंड। जरा ए बी में आ जाओ, अब ए बी में थोड़ा ध्यान से देखो भी के कि भाई ए पॉइंट पे उसकी उसका जो डिस्प्लेसमेंट वो टेन है, और बी पॉइंट तक जाते जाते भी डिस्प्लेसमेंट कितना है टेन है, तो इसका मतलब टेन पे ही है वो, चला ही नहीं है, चला ही है तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी जीरो। कैलकुलेट भी कर सकते हो, मान लो मैं यहाँ वेलोसिटी निकालता हूँ ए टू बी, तो यहाँ कितनी निकालोगे, फाइनल पोजिशन वाई टू कितना है दस, वाई वन कितना है दस, तो वाई टू माइनस वाई वन इनके दस माइनस दस अपॉन कुछ भी कर लो जीरो ही आना है, फाइनल टाइम बीस माइनस इनिशियल टाइम दस, जीरो बाय समथिंग कितना होता है जीरो, तो कितना आएगा जीरो। इसी तरह यहाँ निकाल लोगे फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि वी बी सी निकालूंगा तो फाइनल पोजीशन 20 माइनस इनिशियल पोजीशन 10, फाइनल टाइम 30
माइनस इसका इनिशियल टाइम कितना है 20, तो कितना हुआ 20 माइनस 10 10 और 30 माइनस 20 10 अगेन 1 मीटर पर सेकेंड। यानी कि इस हिस्से में और इस हिस्से में वेलोसिटी उसकी क्या है, बराबर है। ठीक है, तो जरा एक क्वेश्चन तुम भी निकालो, पॉज करके ट्राई करो, बड़ा आसान क्वेश्चन है। ये एक्स टी ग्राफ दे दिया आपको, ये इस तरह से ये ग्राफ गिवन है, और कैलकुलेट करो ओ से ए, ए से बी और बी से सी की कितनी वेलोसिटी होगी। अगर ये 20 है, ये 5, ये 10 और ये 15 है। चलो जल्दी से जरा निकाल के दिखाओ, पॉज करो, नोट करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि बाद में नोट कर सको। चलिए चलो चलो फटाफट सॉल्व करो जल्दी से। चलो बताओ बताओ जल्दी बताओ, कर लिया होगा। चलो देखते हैं, अब वेलोसिटी ओ से ए देखनी है हमने, ओ से ए क्या देखनी है वेलोसिटी। मुझे एंगल पता करना, मुझे एंगल नहीं पता, तो अगेन वही करेंगे y2 - y1। फाइनल पोजीशन कितनी है 20 माइनस इनिशियल y की वैल्यू 0, फाइनल टाइम 5 माइनस इनिशियल 0, तो 20 अपॉन 5 हो गया 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी होगी। चलो जी बहुत बढ़िया, वी ओ ए हो गया हमारा। ठीक है, ए से बी निकालने की जरूरत ही नहीं है, हॉरिजॉन्टल है बिल्कुल, पोजीशन 0 है, यानी कि रेस्ट का ग्राफ है। फिर आ जाओ बी से सी, वी बी टू सी, बी टू सी। अब बी टू सी देखोगे ये ग्राफ ऐसे नीचे आ रहा है, ग्राफ क्या आ रहा है ऐसे नीचे आ रहा है, कोई बात नहीं। फाइनल अब ये इनिशियल हो गया, फाइनल तो ये हो गया ना, अब फाइनल कितना हुआ 0। देखो वाई एक्सिस की वैल्यू यहाँ कितनी होगी 0, और इनिशियल वाई की वैल्यू कितनी थी 20, तो 0 - 20। फाइनल टाइम कितना है 15, इनिशियल टाइम कितना है बी पर टाइम कितना था 10, तो माइनस का 20/5 कितना हुआ -4 मीटर पर सेकेंड। अब एक चीज़ ध्यान दो यार, ओ से ए उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है, बी से सी उसकी वेलोसिटी नेगेटिव है। ओ से ए वेलोसिटी पॉजिटिव है, बी से ए, बी से सी वेलोसिटी नेगेटिव है। आप ये बिल्कुल नहीं कहोगे कि ओ से ए वेलोसिटी बढ़ रही है और बी से सी वेलोसिटी घट रही है, ना, बिल्कुल ध्यान रखो। ओ से ए भी वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है, बी से सी भी वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है, क्योंकि स्लोप कहीं चेंज नहीं हुआ है, इसमें कहीं भी स्लोप चेंज नहीं है और इसमें कहीं भी स्लोप चेंज नहीं है। इन दोनों का स्लोप हो सकता है बेशक अलग अलग हो, बट इसका स्लोप जैसा भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इसका स्लोप जैसा भी है नेगेटिव रहेगा। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव का कंसेप्ट क्या है वो भी मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ आपको, तो ये समझ में आ गया होगा सबको। इसी क्वेश्चन के साथ एक चीज़ और अगर मैं रिलेट कर देता कि अगर यहाँ एक्स हटा के अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे देता कि अब ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, अब मुझे फाइंड करना है फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओ टू सी ड्यूरिंग मोशन। पूरा हमने भी बताना है कि कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हो, तो मैंने भी बताया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब भी डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो आपने क्या निकालना है एरिया, तो आप एरिया निकाल दो पूरे का, यानी कि इस ट्रायंगल का, इस रेक्टेंगल का, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दो। इस ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 5 × 20, यानी कि हाफ इंटू 5 × 20 प्लस इसका कितना हो जाएगा दिस बाय दिस, यानी कि 20 × 5। देखो ये 5 यहाँ तक था, यहाँ से यहाँ 10 है, तो ये 5 ही बचा ना, यहाँ से यहाँ 10, यहाँ से यहाँ 5, तो ये 5 बच गया। 5 × 20 प्लस हाफ इंटू 10 से 15, ये 5 हो गया, हाइट होगी 20, तो अगेन कितना आ गया ये 10 पे गया, तो 50 + 100 + 50 200 मीटर इसका क्या आ गया डिस्प्लेसमेंट। ये इसी क्वेश्चन के अंदर हो जाना था, अलग से लिखना नहीं पड़ता, इसलिए आपको ये करवाया गया। ठीक है, तो एक बार इसको पॉज करके जरा नोट करो, फिर उसमें आगे बढ़ते हैं। चलो कर लिया होगा, तो इसी में देखते हैं कि ये तो स्ट्रेट लाइन की बात होगी, जब ग्राफ आ रहे हैं थोड़े से और अच्छे अच्छे सवाल कैसे हो सकते हैं। देखो अगर मान लो मैं आपको ग्राफ देता हूँ पोजिशन टाइम ग्राफ, तो ये ग्राफ है, अगर मैं पोजीशन टाइम ग्राफ देता हूँ ये वाला,
सिंपल मैंने आपको ग्राफ दे दिया, ये देखो पहले ग्राफ पढ़ना भी सीख लो थोड़ा सा। एक्सटी ग्राफ इस तरह से दिया, बताओगे यूनिफॉर्म मोशन का है जिसमें स्टार्टिंग ओरिजिन से हुई है। अगर यही ग्राफ मैं यहाँ से ना शुरू करके और यहाँ से शुरू कर देता तो तुम कहोगे सर एक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ है, यानी कि ओरिजिन से शुरू नहीं हुआ, ओरिजिन से आगे शुरू हुआ। ये होता है ना, ये ओरिजिन है। अगर यहाँ से शुरू होगा यानी कि ये एक्स नोट है, यहाँ से शुरू होगा तो ऐसा ग्राफ आएगा। अगर मान लो वो यहाँ से शुरू करता, नेगेटिव में शुरू करता, तो नीचे से शुरू होता वो, इतना ही फर्क है। ठीक है, इसमें इतना ही फर्क है। अब अगर मान लो एक्सटी ग्राफ ऐसा दे देते, ऐसा, तो इसमें तुम देखोगे कि इसमें जब हम स्लोप निकालते हैं और इसमें जब स्लोप निकालते हैं, कुल मिला के स्लोप ही वेलोसिटी होती है। यहाँ जो स्लोप होगा वो ग्रेटर देन 90 होगा, यहाँ जो स्लोप है वो लेस देन 90 है। इसका बड़ा अच्छा कंसेप्ट है दोनों का। क्या है कि अगर आपका थीटा लेस देन 90 होता है तो आपकी वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव होगी, अगर आपका थीटा ग्रेटर देन 90 होता है तो आपकी वेलोसिटी हमेशा नेगेटिव होगी। थीटा ग्रेटर देन 90 यानी कि स्लोप नेगेटिव हो जाएगा, वेलोसिटी नेगेटिव। थीटा लेस देन 90 तो वेलोसिटी क्या आएगी, पॉजिटिव। कैसे, तो ये भी देख लो। अब ये ग्राफ बना हुआ, देखो ये ग्राफ, हमें एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ देखना है। यहाँ देखो ये थीटा है, 90 से छोटा है, दिखाई दे रहा है। अब यहाँ ये लाइन है, ये इस एक्सिस के साथ इतना एंगल बना रही है, 90 का एंगल तो ऐसे होता, तो 90 से तो बड़ा हुआ ना ये, 90 से बड़ा होते ही वेलोसिटी क्या हो जाती है, नेगेटिव, क्योंकि टेंजेंट थीटा नेगेटिव हो जाता है, इसलिए वेलोसिटी क्या आएगी, नेगेटिव। इसको आसान तरीका समझने का कि अगर आपका ग्राफ ऐसे बन रहा है, कहीं भी लाइन ऐसे ऐसे बन रही है, तो यहाँ आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव मिलेगी, यानी कि स्लोप पॉजिटिव मिलेगा, लेस देन 90। और अगर ग्राफ ऐसे बन रहा है, इस तरफ ऐसे बनेगा तो ग्रेटर देन 90, वेलोसिटी नेगेटिव, और ऐसे बनेगा लेस देन 90, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। याद रख सकते हो, आगे काम आएगा। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा इसमें हम पढ़ते हैं। अब मान लो ग्राफ मैंने आपको इस तरह का बना के दिया है, ये एक्सटी ग्राफ गिवन है। ठीक है, अब इसमें बताना है कि किस तरह की वेलोसिटी का ग्राफ है, क्या इसमें वेलोसिटी बढ़ रही है, क्या इसमें वेलोसिटी घट रही है, क्या इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्या वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी घट रही है, या वेलोसिटी सेम है, इन तीनों में से कौन सा आंसर होगा। तो अगेन हम देखेंगे एक्सटी ग्राफ है तो क्या करोगे, स्लोप बनाओगे, कोई भी पॉइंट पकड़ो। मान लो ये पॉइंट पकड़ा, इस पॉइंट को पकड़ा, यहाँ स्लोप बना दिया, ये थीटा हो गया। इस पॉइंट को पकड़ा, ये ग्राफ बना दिया, ये थीटा टू हो गया। तो जरा देखो थीटा वन और थीटा टू में बड़ा एंगल कौन सा है, थीटा टू इज ग्रेटर देन थीटा वन। तो तुम देखोगे पहले स्लोप कम था, अब बढ़ गया, और यहाँ जाके तो और भी बढ़ गया, यहाँ जाके तो और भी बढ़ गया। तो स्लोप लगातार बढ़ रहा है और स्लोप ही वेलोसिटी है, तो स्लोप बढ़ रहा है तो इसका मतलब यहाँ वेलोसिटी क्या होगी, इनक्रीजिंग। तो ये किस तरह के वेलोसिटी का ग्राफ है, दिस इज अ ग्राफ ऑफ इंक्रीजिंग वेलोसिटी। किस तरह का ग्राफ है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ है ये। कैसा ग्राफ है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी का। एक्सटी ग्राफ में जब वेलोसिटी बढ़ रही होगी, अब ऑब्वियस सी बात है कि एक्सटी ग्राफ में अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, और वेलोसिटी में अगर चेंज आ रहा है तो क्या होगा, एक्सेलरेशन भी कुछ ना कुछ तो होगा। यानी इससे पहले वाले ग्राफ में जब मैं स्ट्रेट लाइन बना रहा था तो उसमें एक्सेलरेशन जीरो था, बट इसमें कहीं भी एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, एक्सेलरेशन कोई ना कोई वैल्यू आएगी। ठीक है, एक्सेलरेशन कोई ना कोई वैल्यू आएगी। तो यहाँ एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी, अब वो पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव आएगी, क्या आएगी, उसको भी को भी मैं तुम्हें भी बताऊंगा। क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है तो ऑब्वियस सी बात है जब वेलोसिटी में इंक्रीमेंट होता है तो एक्सेलरेटेड मोशन होता है, एक्सेलरेशन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसको निकालने का भी शॉर्टकट आगे मैं बताने वाला हूँ। तो एक्सेलरेशन कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। इंक्रीजिंग ग्राफ यानी कि इंक्रीजिंग वेलोसिटी ग्राफ, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। अगर मान लो सिमिलर वे में एक्सटी ग्राफ में कुछ इस तरह का बना देता, लो जी ये ग्राफ बना दिया, तो ये किस तरह ग्राफ है। अब इसमें वेलोसिटी घट रही है बढ़ रही है तो क्या करोगे, वही ये पॉइंट लिया, स्लोप ड्रॉ कर दिया, ये एंगल बना, ये थीटा बना, थीटा वन, एक ये लिया, ये एंगल ड्रॉ कर दिया ऐसे, तो ये थीटा टू। थीटा वन इज लार्जर देन थीटा टू, यानी कि जैसे जैसे मैं इस ग्राफ में आगे बढ़ रहा हूँ, स्लोप
डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीजिंग। और जब वेलोसिटी घटती है तो एक्सेलरेशन कैसा होता है, नेगेटिव। एक्सेलरेशन कैसा होता है, नेगेटिव। तो ये डिक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ है और इसके अंदर एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये इंक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग। तो एक तरह का ये एक आप ध्यान भी रख सकते हो कि जब भी कर्व ऐसे आएगा ना, कोई भी ग्राफ में इस तरह का कर्व आ रहा है तो इसमें स्लोप बढ़ रहा होता है और स्लोप जिस भी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा वो चीज़ इंक्रीज हो रही होगी। दूसरी तरफ अगर एक्सटी ग्राफ या कोई भी ग्राफ इस तरह का आ रहा होगा तो इसमें स्लोप डिक्रीज कर रही होगी। तो डिक्रीजिंग स्लोप मीन्स जो भी स्लोप इक्वल है जिस चीज़ के भी, वो क्वांटिटी डिक्रीज हो रही होगी। जैसे यहाँ वेलोसिटी था तो इसे इंक्रीजिंग वेलोसिटी या डिक्रीजिंग वेलोसिटी, इंक्रीजिंग वेलोसिटी एक्सेलरेशन पॉजिटिव, डिक्रीजिंग वेलोसिटी एक्सेलरेशन नेगेटिव। और एक चीज़ और है कि एक्सेलरेशन को कैसे याद रख सकते हो, कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, जरा देखते हैं। तो एक बार इसको जल्दी से नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो कर लिया होगा। अब देखो, अब मान लो हमारे पास ग्राफ है किस तरह का, देखो। अब मान लो कभी भी आपको एक्सटी ग्राफ दे रखा हो। अब एक्सटी ग्राफ से तो आप क्या बता सकते हो, वेलोसिटी तो बता सकते हो। एक्सटी ग्राफ से वेलोसिटी तो बता सकते हो, बट एक्सेलरेशन थोड़ा बताना मुश्किल होता है। अब देखो ध्यान करो को कैसे करेंगे। अगर मान लो आपका कहीं भी ग्राफ इस तरह से आता है या इस तरह से आता है, जब एक्सटी ग्राफ इस तरह से आएगा, एक पैराबोला का ग्राफ है जिसमें पानी डाल सकते हैं, ये भी पैराबोला ग्राफ है, इसको अपवर्ड बोलते हैं, इसको डाउनवर्ड बोलते हैं। मैथमेटिक्स जिनके पास है वो पढ़ेंगे इसके बारे में, ज्योमेट्री के अंदर या पढ़ा भी होगा। तो जब भी कनकेव अपवर्ड होगा, जब भी कनकेव अपवर्ड ग्राफ दे रखा होगा तो एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव आएगा, ये याद रखना है। जब भी कनकेव डाउनवर्ड होगा, कनकेव कैसा होगा, डाउनवर्ड होगा। कनकेव कैसा होगा, नीचे की तरफ डाउनवर्ड होगा। अब कनकेव डाउनवर्ड होगा तो इसके अंदर आपका एक्सेलरेशन हमेशा कैसा आएगा, नेगेटिव। यानी कि इस कटोरे का मुंह अगर ऊपर है तो पॉजिटिव और नीचे की तरफ है कटोरे का मुंह तो क्या लोगे आप, नेगेटिव। कटोरा ऊपर पॉजिटिव, कटोरा नीचे नेगेटिव, नीचे होगा नेगेटिव ऊपर होगा पॉजिटिव, ये शॉर्टकट याद रखना। और एक चीज़ और याद रखनी है, कई बार क्या होता है कि ग्राफ दे रखा होता है, पूछ रहते हैं कि वेलोसिटी बढ़ रही है या घट रही है, जैसे पिछले क्वेश्चन में था। तो कई बार मान लो हमने स्लोप से ना पता लगे बढ़ रही है घट रही है, हम एक्सेलरेशन और वेलोसिटी को देख कर ही बता देंगे कि वो घट रही है या बढ़ रही है। देखो कैसे, अगर आपके वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का जो साइन है वो सेम हो, सेम साइन हो, तो वेलोसिटी जो है इज इंक्रीजिंग। वेलोसिटी कैसी होती है, बढ़ रही होती है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। इसी तरह अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का साइन डिफरेंट हो, साइन कैसा हो, डिफरेंट हो, वेलोसिटी एक्सेलरेशन का साइन सेम हो तो वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन का साइन डिफरेंट है तो वेलोसिटी आपकी आ जाएगी डिक्रीजिंग। यानी उस ग्राफ को आप देख के बता सकते हो कि बताओ भाई ग्राफ में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है के वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। इसके क्वेश्चन करेंगे भी ध्यान में आ जाएगा। तो एक बार इसको नोट कर लो जल्दी से कि जब सेम साइन होगा तो वेलोसिटी इंक्रीज, सेम साइन का मतलब दोनों प्लस के, वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन प्लस, यानी कि दोनों के डायरेक्शन में है बढ़ेगी। वेलोसिटी नेगेटिव एक्सेलरेशन भी नेगेटिव, यानी दोनों पीछे की तरफ जा रहे हैं तो भी क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ेगी। वेलोसिटी पॉजिटिव होगी एक्सेलरेशन नेगेटिव, यानी कि वेलोसिटी इधर एक्सेलरेशन इधर, यानी कि फोर्स उससे अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, ऑब्वियसली बात है वेलोसिटी डिक्रीज होगी। वेलोसिटी नेगेटिव एक्सेलरेशन, वेलोसिटी नेगेटिव एक्सेलरेशन पॉजिटिव तो भी वेलोसिटी में क्या होगा, डिक्रीमेंट। डिफरेंट साइन डिक्रीमेंट, सेम साइन इंक्रीमेंट वेलोसिटी के अंदर। तो एक बार इसको नोट करो फिर करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। तो चलो इस तरह के क्वेश्चन देखते हैं हम। अब क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है कि मान लो अपने पास ये एक्सटी ग्राफ गिवन है, ये एक्स हो गया ये टी हो गया और ग्राफ है ऐसा। इसमें बताओ स्पीड
क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है? चलो पोज करो, जल्दी से ट्राई करो और बताओ फटाफट। चलो जल्दी, एक क्वेश्चन ये बना दिया, एक क्वेश्चन और बना देता हूँ, दोनों को ही ट्राई करो, फिर दोनों को ही एलेबोरेट करते हैं। ये टी हो गया, ये एक्स हो गया, और चलो ये हो गया, दोनों बताओ जल्दी से, जल्दी फटाफट। चलो पोज करो, सोल्व करो जल्दी से। चलो कर लिया होगा, देखो। अब जरा देखो, इसमें मैंने बताया था कटोरा ऊपर हो, पॉजिटिव कटोरा नीचे हो, डाउन, तो ये कटोरा किसकी तरफ है? ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब इस केस में एक्सेलरेशन क्या हो गया? पॉजिटिव। सीधी सी बात है, एक्सेलरेशन क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। वेलोसिटी के बारे में देखते हैं, वेलोसिटी पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? तो वेलोसिटी एक्स टी ग्राफ में क्या होता है? स्लोप, कोई भी पॉइंट उठाओ, मान लो ये पॉइंट उठाया और यहाँ से स्लोप बना दिया, ये स्लोप बनाया, ये स्लोप आया ऐसा, तो ये एंगल जो आया, ये एंगल, दिस एंगल इज ग्रेटर देन 90। ग्रेटर देन 90 का मतलब क्या है? अब मैंने बताया ना, लाइन ऐसे खींचेगी तो वेलोसिटी नेगेटिव, लाइन ऐसे खींचेगी तो वेलोसिटी पॉजिटिव। अब ऐसे खींचिए ना, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? नेगेटिव। ए पॉजिटिव, वी नेगेटिव, डिफरेंट साइन, मतलब वेलोसिटी क्या है? डिक्रीजिंग। तो इसके अंदर वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। चलो यहाँ आओ, अब ये कोई वैल्यू मान लो एक्स नॉट है, ये टाइम की वैल्यू है, टी नॉट है, जो भी है। ओ, यहाँ भी देखेंगे, ये कटोरा नीचे है तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? ऑब्वियस ही बात है, नेगेटिव हो गया। किसी भी पॉइंट पर स्लोप निकालोगे, स्लोप ग्रेटर देन 90, यानी कि ऐसे खींचे ना लाइन, तो वी क्या हो गया? नेगेटिव। दोनों का साइन सेम, तो वेलोसिटी क्या हो गई? इनक्रीजिंग। वेलोसिटी क्या हो गई? इनक्रीजिंग। तो इस तरह से आप बता सकते हो कि वेलोसिटी घट रही है कि बढ़ रही है। चलो इसी तरह का एक, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ चलो ले लिया। अब इसी का एक क्वेश्चन और करते हैं कि कई बार आपको ग्राफ गिवन होगा और ग्राफ से आपको कोरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालना होगा। अब मान लो आपको एक ग्राफ गिवन है, एक्स टी ग्राफ है, और इस तरह का एक्स टी ग्राफ है, ठीक है, ये एक्स टी ग्राफ दे दिया। अब कहेगा ड्रॉ एप्रोप्रिएट कोरस्पॉन्डिंग ग्राफ, या तो ड्रॉ कहेगा या मान लो ऑप्शन दे दिया। चलो मैं ऑप्शन दे देता हूँ, तुम बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है? ए बी सी डी, एक्स टी ग्राफ है। चलो एक ऑप्शन है ये, एक ऑप्शन है ये, एक ऑप्शन है ये, एक ऑप्शन है ये। चलो ए बी सी डी, और ये वी टी ग्राफ है, वी टी, इधर वी, इधर टी, इधर वी, इधर टी, और इधर वी, इधर टी। चलो जल्दी से सॉल्व करो फटाफट। चलो कर लिया होगा, देखो। अब यहां से अगर हम देखेंगे कि भाई ये कर्व शेप है और इस कटोरे का मुंह कहाँ है, इस कटोरे का मुंह कहाँ है? ऊपर है, कटोरे का मुंह ऊपर है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया? पॉजिटिव। वेलोसिटी देखेंगे, किसी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये थीटा लेस देन 90 आ गया, तो इसका मतलब वेलोसिटी भी क्या हो गई? पॉजिटिव। दोनों का सेम साइन, इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो गई? इनक्रीजिंग। तो इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ रही होगी, वेलोसिटी बढ़ रही होगी, इनक्रीजिंग है, और दोनों पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव डायरेक्शन होनी चाहिए। तो देखो किसमें पॉजिटिव डायरेक्शन, इसमें देखो क्या है, वेलोसिटी घट रही है, नहीं है भाई, इसमें वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है, ये भी नहीं है। इसमें देखेंगे वेलोसिटी बढ़ रही है, पॉजिटिव में बढ़ रही है, ये ग्राफ सही हो जाएगा, नेगेटिव है ही नहीं, तो ये इसका कोरस्पॉन्डिंग ग्राफ आएगा, नहीं आया? चलो आ गया होगा, तो इसको एक बार नोट करो, फिर एक और सवाल करते हैं। चलो कर दूँ अब इसको मैं, चलो एक और सवाल करते हैं इसी तरह का। इसमें बताओ तुम जल्दी से मुझे क्या होगा। अगेन मैंने आपको एक्स टी ग्राफ दिया है कुछ इस तरह का, मान लो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये टी वन टाइम, ये टी टू टाइम, और ये टी थ्री टाइम।
चलो बताओ इसका वेलोसिटी टाइम कोरस्पोंडिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा। ये वी, ये टी, ये वी, ये टी मान के चलना, इधर वी इधर टी है। चलो ग्राफ ड्रॉ करें जरा। चलो देखो जल्दी बताओ इसमें से कौन सा ग्राफ होगा इन चारों में से, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। चलो जल्दी से फटाफट, चलो तो कर लिया होगा ट्राई। चलो देखते हैं। अब देखो ये मान लो कोई पॉइंट का नाम दे लो भाई, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट। दो तरीके से मैं तुम्हें समझाता हूँ, ए से बी और बी से सी। एक मेथड है जो भी मैंने बताया था, ए से बी कटोरा नीचे है, नीचे की तरफ है, एक्सेलरेशन क्या हो गया नेगेटिव। स्लोप देखेंगे तो स्लोप कैसा आएगा, क्या लाइन ऐसे ड्रॉ होगी, ऐसे लाइन ड्रॉ होगी ना, और ऐसे होगा तो वी क्या होता है पॉजिटिव होता है। दोनों का साइन अलग हो गया तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो गई डिक्रीजिंग। वेलोसिटी पॉजिटिव है, पॉजिटिव एक्सिस में है मगर डिक्रीज हो रही है, पॉजिटिव एक्सिस में है मगर डिक्रीज हो रही है, ठीक है। बी से सी देखेंगे तो क्या मेरा यहां कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो लाइन ऐसे ड्रॉ होगी बी से सी, ये तो बात थी ए टू बी। इधर देखेंगे तो क्या ये वेलोसिटी नेगेटिव होगी क्योंकि स्लोप ऐसे आ गया ना ग्रेटर देन 90, क्या एक्सेलरेशन नेगेटिव है, कटोरा नीचे की तरफ है, देखो यहां भी दोनों का सेम साइन यानी कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। अब देखो इस सेक्शन में ए से बी तक, ए से बी तक वेलोसिटी घट रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, साथ में वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, यहाँ वेलोसिटी नेगेटिव हो गई। अब नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है ये ध्यान दो, जैसे ही पहले बॉडी पॉजिटिव वेलोसिटी में थी अब नेगेटिव से इसका मतलब पलट गई, ऐसे गई और घूम के वापस आ गई, यानी बॉडी ने पलटी मार दी। तो अगर ये क्वेश्चन पूछ ले इसमें कि क्या बॉडी ने कहीं पलटी मारी है तो मारी है, कहाँ पर मारी है, किस टाइम पर मारी है, टी टू टाइम पर मारी है, यानी कि बॉडी पर पहले ऐसे जा रही थी जैसे टी टू टाइम हुआ वापस मुड़ के वापस आ गई, उसके क्या वेलोसिटी होगी वो बाद में गिवन कंडीशन पर डिपेंड करेगी, जैसे यहाँ तक आ गई। क्लियर होगी बात, यानी कि जो उसकी इनिशियल पोजिशन थी वो अपनी फाइनल पोजिशन उसी पर आ गई है, ऐसे जाके वापस उसी पॉइंट पर आ गई है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट उसका जीरो हो गया, कुल मिला के एवरेज वेलोसिटी जीरो आएगी। चलो खैर हमने तो ग्राफ बनाना, अब देखो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो कौन सा ग्राफ है, इसको ग्राफ को देखेंगे तो यहाँ से वेलोसिटी बढ़ रही है तो पहले हमारी वेलोसिटी घट रही थी तो ऑप्शन तो पहले गलत हो गया। दूसरे में वेलोसिटी देखेंगे यहाँ बिल्कुल घट रही है जी, ये घट रही घटते 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 घटते, अच्छा बी पॉइंट पर देखेंगे यहाँ स्लोप जीरो है, टेंजेंट लाइन थीटा यहाँ जीरो आएगा तो यहाँ वेलोसिटी क्या होगी जीरो, तो टी टू टाइम पे कहीं ना कहीं वेलोसिटी जीरो भी मिलेगी, यानी कि ये टाइम टी टू था यहाँ पे ये टाइम टी टू है तो यहाँ देखो वेलोसिटी जीरो है, बिल्कुल सही है। और जीरो के बाद वेलोसिटी क्या हो रही है, जीरो के बाद वेलोसिटी सॉरी यहाँ डिक्रीजिंग नहीं है इंक्रीजिंग है, दोनों का सेम साइन था ना, इंक्रीजिंग वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है मगर नेगेटिव में इंक्रीज हो रही है, यहाँ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है मगर पॉजिटिव में, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ देखो ये ग्राफ आ गया नीचे, बिल्कुल सही है, यहाँ तक तो हमारा सही ग्राफ था ही, अब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और नेगेटिव इंक्रीज हो रही है तो ग्राफ यही सही है, ये तो शुरुआत ही नेगेटिव से है तो हो नहीं सकता क्योंकि वेलोसिटी शुरू में पॉजिटिव थी, तो ये अपना ग्राफ हो गया। तो कुल मिला के अगर ध्यान दोगे तो ये पता है किसका ग्राफ है, ये है मोशन अंडर ग्रेविटी व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अर्थ सरफेस, सरफेस से खड़ा होकर मैं मार्कर को फेंकता हूँ ना ऐसे ऐसे फेंक दूँ तो ये मार्कर ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा तो उसका पोजिशन टाइम ग्राफ ऐसा बनेगा, उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। देखो इन तीनों ग्राफ में पोजिशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और आगे हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, इन तीनों ग्राफ में जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हर चीज़ बता देगा, वो एक्सेलरेशन के बारे में बता देगा, वो आपके प्रीवियस डिस्प्लेसमेंट के बारे में बता देगा, किस तरह से बताएगा कैसे बताएगा तो क्वेश्चन करेंगे उसके, जरा इसको जल्दी से नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो करेंगे एक क्वेश्चन और इसका, नहीं कर लिए बहुत सारे, चलो दूसरे क्वेश्चन। चलो अब थोड़ा वेलोसिटी टाइम ग्राफ को भी देख लेते हैं, देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने पढ़ लिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है एक्सेलरेशन, अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा बना दूं तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर वेलोसिटी कांस्टेंट है
वेलोसिटी क्या है इसके अंदर, कांस्टेंट फिक्स होगी तो एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो। नो चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो। अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरह का बना दूं तो क्या यहाँ वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, स्लोप स्लोप क्या है ग्रेटर देन 90, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा इसमें, नेगेटिव। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव में, देखो वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव है, पॉजिटिव में ही है मगर घट रही है। जैसे मान लो 50 है, फिर 20 हो गए, फिर 30 होगी, फिर 50 है, 30 हो गई, 20 हो गई, 10 हो गई, 0 हो गई, है तो प्लस में ही, तो वेलोसिटी है तो पॉजिटिव बट डिक्रीजिंग है, वेलोसिटी है तो पॉजिटिव बट डिक्रीजिंग है। एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव। क्या एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, क्या एक्सेलरेशन घट रहा है वो देखेंगे, तो इस ग्राफ का स्लोप देखेंगे। तो यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, हर पॉइंट पर क्या स्लोप, क्या एंगल चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है, कॉन्स्टेंट है। एक्सेलरेशन क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो ये कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ है, सीधी सी बात है, जैसे पोजिशन टाइम के साथ है वैसे ही है। मान लो ये ग्राफ बना दूँ ऐसे, तो ये मैंने बताया था इंक्रीजिंग का होता, तो कुल मिला के यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है, एक्सेलरेशन लगातार बढ़ रहा है। और एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव कैसे पता लगेगा, तो स्लोप से पता लगेगा, स्लोप दिस थीटा इज लेस देन 90, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और लगातार बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी को क्या कर रहा होगा, ये बढ़ा रहा होगा घटा रहा होगा, यहाँ देखते हो वेलोसिटी को बढ़ा भी रहा है, तो इसका मतलब यहाँ वेलोसिटी भी लगातार बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, ये तो दिख ही रहा है ग्राफ से, वेलोसिटी के साथ साथ एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है और एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। तो इस तरह से क्या चीज़ पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, ये आपको पता होना चाहिए ग्राफ के अंदर। अब देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ इतना इंपॉर्टेंट है कि वो सब कुछ बता देता है किसी भी, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना सकते हो, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी बना सकते हो। तो एक बार हम देखते हैं कुछ कॉरस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसे बनते हैं। मान लो एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है आपको इस तरह से, इतना गिवन है मान लो, ठीक है, कोई भी वैल्यू दे रखी है, मान लो 0 है, ये 10 है, ये 5 है, ये 10 है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसका कोरोस्पॉन्डिंग एक्सटी ग्राफ बनाओ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाओ, इसका क्या होगा, एक्सटी ग्राफ बनाए, तो चलो जरा बनाते हैं। अब देखो क्या ओ से लेकर ए पॉइंट तक क्या वेलोसिटी बढ़ रही है, क्या वेलोसिटी में इंक्रीमेंट है, बिल्कुल है, देखो वी ओ से लेकर ए लगातार वेलोसिटी में इंक्रीमेंट है और एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है। क्या वेलोसिटी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ बनाना है। अब पोजीशन टाइम ग्राफ याद करो, इंक्रीजिंग वेलोसिटी कैसे होगा, अगर वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है तो क्या उसका स्लोप लगातार बढ़ रहा होगा, और स्लोप लगातार बढ़ेगा तो कैसा ग्राफ आएगा, ऐसा आएगा कि नहीं आएगा। ये पॉइंट मैंने मान लिया 5 सेकंड वाला पॉइंट आ गया, ये 5 सेकंड आ गया, 5 सेकंड पर जाकर इसकी वैल्यू ये होगी। अब ए से बी क्या वेलोसिटी में कोई चेंज है, ए से बी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, तो इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, और कांस्टेंट वेलोसिटी ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ गया, बस ये आ गया आपका 10 सेकंड। अगर मैं इस ग्राफ को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर ऐसे बना देता, देखो ये ग्राफ बन गया, और थोड़ा सा वो भी ध्यान रखो, देखो इस कटोरे का मुंह ऊपर है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, यहाँ एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, अब यहाँ एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा क्योंकि स्लोप गिरता हुआ, लाइन ऐसे बनी, थीटा ग्रेटर देन 90, एक्सेलरेशन नेगेटिव, नेगेटिव मतलब कटोरे का मुंह आना चाहिए नीचे, तो इसका मतलब यहाँ से जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा, थोड़ा सा और अच्छे से बना, ऐसे बनेगा। तो इस तरह से कोरस्पॉन्डिंग एक्सटी ग्राफ आप बना सकते हो। चलो एक ड्रॉ करके दिखाओ जरा मुझे, एक मान लो वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, इस तरह का ग्राफ गिवन है, बहुत आसान ग्राफ दिया मैंने, जल्दी से बना दो फटाफट एक्सटी ग्राफ इसका क्या होगा, चलो जल्दी ट्राई करो, यहाँ कोई भी वैल्यू, मैं वैल्यू नहीं दे रहा, एक जनरल ग्राफ बनाना है, चलो बना लिया होगा, देखो एक बार। अब यहाँ देखोगे यहाँ वेलोसिटी की कुछ ना कुछ वैल्यू थी जो घटते 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 यहाँ जाके जीरो होगी, जो भी टाइम की वैल्यू रही हो, यानी फाइनली वेलोसिटी क्या हो गई है, घटते 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 जीरो हो गई है। तो क्या ये डिक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ है, क्या ये डिक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ है, तो डिक्रीजिंग वेलोसिटी ग्राफ कैसा बनता था, ऐसा बनता था ना डिक्रीजिंग वेलोसिटी ग्राफ, तो डिक्रीजिंग वेलोसिटी ग्राफ ऐसा है, यानी इस पॉइंट पर स्लोप आपकी थीटा जीरो हो जानी चाहिए तभी तो वेलोसिटी जीरो आएगी,
इस ग्राफ से मतलब समझना कि ये ऐसे ऐसे जाकर ऐसे मूव कर रहा है, ये तो उसकी पोजीशन है। तो डिक्रीजिंग वेलोसिटी यहाँ स्लोप जीरो, क्लियर होगी बात। चलो एक ग्राफ और करते हैं, उसको समझते हैं वो ग्राफ क्या कह रहा, आपने भी बताना। चलो तो मैंने एक ग्राफ बनाया, ग्राफ कैसा बनाया, ग्राफ ऐसा बनाया, ये मैंने वेलोसिटी ले ली इस तरफ लिया टाइम को और ग्राफ, लो जी। चलो ये मान लो ओ पॉइंट है, टाइम जीरो, यहाँ वी नोट से स्टार्ट हुआ, टाइम टी वन, टाइम टी टू और जो भी टाइम रहा होगा ये टाइम टी थ्री। तो ज़रा मुझे बताओ कि इस ग्राफ के अंदर, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, क्या ऑब्जेक्ट ने पलटी मारी है, यानी कि वो सीधे सीधे दौड़ते हुए क्या उलट के वापस आया है क्या कहीं से, एक बार देख के बताओ जल्दी से, और उसको सोल्व भी करो कि भी किस तरह से इसका पोजीशन टाइम ग्राफ बनेगा जनरली, अगर मैं बनाना शुरू करूँ तो। चलो जल्दी से बनाओ फटाफट। चलो कर लिया हुआ, चलो देखते हैं इस ग्राफ को, जरा समझते हैं कि हर पॉइंट पर क्या चीज़ कैसी है, कौन सी चीज़ बढ़ रही है घट रही है ग्राफ, तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप बना लोगे। अभी देखो मैं कहता हूँ जीरो से टी वन, जीरो से टी वन टाइम, ये टी वन टाइम है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये ग्राफ इस तरह से है, क्या इसमें वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ रही है, क्या वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो वेलोसिटी की वैल्यू बिल्कुल इंक्रीज हो रही है। देखो वेलोसिटी वैल्यू बढ़ती जा रही है, वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ते 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 यहाँ मैक्सिमम हो चुकी है, वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ते बढ़ते यहाँ क्या हो जाएगी मैक्सिमम, ठीक। क्या वेलोसिटी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, यानी कि वेलोसिटी इस तरफ जा रही है, बॉडी इस तरफ जा रही है। अब जरा एक्सेलरेशन की बात करें, एक्सेलरेशन कैसा है इसका, क्या अगर यहाँ ग्राफ ड्रॉ करोगे, यहाँ कहीं भी ये पॉइंट ले लो और यहाँ से ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, तो यह थीटा लेस देन 90 आएगा, आएगा तो थीटा 90 आएगा, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया, पॉजिटिव के नेगेटिव, तो थीटा लेस देन 90 तो एक्सेलरेशन हो गया पॉजिटिव, यानी कि एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव है, जैसे वेलोसिटी पॉजिटिव थी ऐसे एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी इधर ही जा रहा है, ए भी इधर है और वी भी इधर है। अब क्या एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, तो तुम साफ देखोगे ये डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का ग्राफ है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो रही है इसमें, डिक्रीज। वेलोसिटी हालांकि बढ़ रही है बट एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है, ऐसा हो सकता है कि वेलोसिटी कम हो रही है और एक्सेलरेशन, वेलोसिटी बढ़ रही है बट एक्सेलरेशन कम होता जा रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ तक हो गया, इस पॉइंट पर आकर, इस पॉइंट पर आकर स्लोप जीरो होता, दैट मीन्स यहाँ तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, बट इस पॉइंट के बाद क्या बॉडी ने पलटी मार दी, नहीं, यहाँ कहीं पलटी नहीं लगी है। यहाँ अगर देखोगे कि टी वन से लेकर और टी टू टाइम तक, टी वन से लेकर टी टू टाइम तक क्या स्लोप नेगेटिव हो जाएगा, देखो ऐसे लाइन ऐसे ड्रॉ होगी, तो क्या एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा, एक्सेलरेशन क्या इस तरफ जाने लग जाएगा, नेगेटिव का मतलब क्या इसकी वेलोसिटी घट रही है, क्या वेलोसिटी, अच्छा एक चीज़ और, एक्सेलरेशन क्या कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, क्या है, अगर देखोगे तो ये इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का ग्राफ है, एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, नेगेटिव तो है, स्ट्रेट लाइन नहीं, ये कर्व्ड है, ठीक, तो एक्सेलरेशन बढ़ रहा है मगर अपोजिट डायरेक्शन में, नेगेटिव की तरफ। अब यहाँ देखो, यहाँ से ये ग्राफ ऐसे आया, वेलोसिटी की बात करें तो क्या वेलोसिटी की वैल्यू घट रही है, तो v की वैल्यू बिल्कुल जी घट रही है, डिक्रीज हो रहा है v, क्या पॉजिटिव में है, बिल्कुल पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन इधर है। टी टू टाइम के बाद तुम देखोगे ये नेगेटिव में चली गई वेलोसिटी, तो जैसे ही वेलोसिटी नेगेटिव होती है तब पलटी लगती है, यहाँ वेलोसिटी पॉजिटिव थी, यहाँ वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है, बट यहाँ टी टू पे जाकर यानी कि बॉडी ऐसे गई और ऐसे घूम के आ गई वापस, कहाँ तक आएगी वो तो डिपेंड करेगा, बट यहाँ देखोगे नेगेटिव में आने के बाद लगातार वेलोसिटी बढ़ रही है, क्या वो नेगेटिव में है, क्योंकि नेगेटिव में है तो वेलोसिटी लेफ्ट में जा रही है और बढ़ रही है, एक्सेलरेशन भी लेफ्ट में है और वो भी बढ़ रहा है, क्योंकि स्लोप बढ़ता चला जाएगा, एक्सेलरेशन बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, और नेगेटिव में ही रहेगा, दोनों नेगेटिव में रहेंगे, तो कुल मिला के स्पीड इंक्रीज होगी,
ठीक है, इस तरह से ग्राफ को एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो ये हमने कुछ ग्राफ किए वेलोसिटी टाइम ग्राफ से रिलेटेड। अब अगर मान लो थोड़ा सा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पे भी नज़र डाल लें, फिर एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें तीनों ही ग्राफ हमें ड्रॉ करने दे दें। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में ज़्यादा कुछ है नहीं कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ अगर आपको मिलता है, किसी भी तरह का ग्राफ मिल सकता है, मान लो ग्राफ इस तरह का मिल जाए या कैसा भी ग्राफ मिल जाए, ठीक है, मान लो इस तरह का ग्राफ मिल जाए या एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, तो इसमें भी पूछेगा इस ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा, इस ग्राफ का एरिया क्या बताएगा। तो स्लोप मैंने बताया था वाई बाय एक्स, यानी कि चेंज इन एक्सेलरेशन अपॉन टाइम, यहाँ पे तो ये बताएगा ना चेंज इन एक्सेलरेशन बाय टाइम, और ये होता है फिजिक्स के टर्म में जर्क, इसको बोलते हैं JERK, ठीक है। तो ये आपके हायर स्टडीज़ में आएगा जर्क क्या होता है, अभी तक किसी कॉम्पिटिशन में आया भी नहीं है, बस पता होना चाहिए जर्क क्या होता है। जर्क यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड 3, ठीक है, और इसका एरिया बताएगा चेंज इन वेलोसिटी, इस ग्राफ का एरिया क्या बताएगा, चेंज इन वेलोसिटी। तो कभी भी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिवन होगा और आपसे ये पूछ लेगा कि उसके अंदर वेलोसिटी में चेंज कितना, या सॉरी एरिया पूछ ले या पूछ ले चेंज इन वेलोसिटी क्या आएगा, तो सीधा आपने क्या करना, उसका ग्राफ का एरिया निकाल देना, आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, सॉरी चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगी। तो इससे रिलेटेड ग्राफ मान लो इस तरह का सिंपल सा ग्राफ दे दें, लो जी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इस तरह का दे दिया और कह दिया OABC यहाँ से लेकर यहाँ तक, बहुत हलवा सवाल है कि भी वेलोसिटी में कितना चेंज आया ये बताओ, वेलोसिटी में कितना चेंज आया ये बताओ, अगर इनिशियल वेलोसिटी जो भी फाइनली आपको दे रखी होगी, तो मान लो इनिशियल वेलोसिटी यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये वैल्यू 20 है, ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, और वो कह देगा कि इसकी चेंज इन वेलोसिटी कितनी थी वो निकालो, तो आप सीधा क्या निकाल दोगे, सीधा ग्राफ का एरिया, कहीं माइनस करने की जरूरत नहीं, जो एरिया आएगा वही चेंज इन वेलोसिटी है, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं जो जेई में आया हुआ है इसी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से, बड़ा अच्छा सवाल है, जरा देखो एक बार। ये एक्सेलरेशन, ये टाइम, एक ग्राफ दे दिया आपको इस तरह से, एक्सेलरेशन की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इस ग्राफ के अंदर ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है वो दे रखी है 3 मीटर पर सेकंड की, जीरो से टाइम यहाँ पर आपका ये 5 सेकंड मान लो, चलो ये 5 सेकंड है। हमें क्वेश्चन क्या करना है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 3 मीटर पर सेकंड, क्वेश्चन कह रहा फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ बॉडी ड्यूरिंग 5 सेकंड, इनिशियल 3 मीटर पर सेकंड है, इस ड्यूरिंग 5 सेकंड आपने ये बताना है कि बॉडी की मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी। चलो बताओ, ये क्वेश्चन है, जल्दी से पॉज करके सॉल्व करो, जेई का क्वेश्चन है, जेई में आया, बड़ा आसान है, देखो कैसे करेंगे, चलो पॉज करो, ट्राई करो फटाफट फटाफट, चलो जल्दी से कर लिया। चलो देखो करना क्या है, देखो एक लॉजिकल थिंग इसके अंदर हम समझे, एक्सेलरेशन लगातार डिक्रीज हो रहा है, लगातार घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, यहाँ आकर एक्सेलरेशन जीरो हो गया। अब देखो वेलोसिटी वो मैक्सिमम पूछ रहा है, हमें पता है एक्सेलरेशन होता है dv/dt, अगर वी मैक्सिमम होगा, वी क्या होगा मैक्सिमम, तो कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है जीरो, तो ए क्या होगा जीरो। तो लॉजिकली अगर समझे कि जब एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, जब एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा तो वेलोसिटी क्या होगी मैक्सिमम होगी, जब एक्सेलरेशन जीरो होगा तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, याद रखना, ठीक है, ये लॉजिक है एक तरह का। तो इसका मतलब वेलोसिटी मैक्सिमम 5 सेकंड पे होगी, तो क्या हमें वेलोसिटी 5 सेकंड पे निकालनी है, मैक्सिमम पूछा ना उसने, तो इसका मतलब वेलोसिटी हमें कितने पे निकालनी है 5 सेकंड पे, ठीक, तो मैक्सिमम वेलोसिटी हमें 5 सेकंड पे मिलने वाली है। मगर निकालेंगे कैसे, हमें पता है इस ग्राफ का एरिया, इस ग्राफ का एरिया क्या बताएगा, चेंज इन
वेलोसिटी। अब चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है, वी फाइनल माइनस यानी कि वी माइनस यू, चेंज इन वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी किसके इक्वल है, एरिया के। क्या इस ट्रायंगल का एरिया नहीं निकाल सकते, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 10 × 5 50/2 25 आ गया ना, हाफ इंटू 10 × 5 तो 25 आ गया। तो v कितना आएगा, 25 प्लस u कितना दे रखा है 3, तो v हो गया 25 × 3 28 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी होगी मैक्सिमम और कहाँ होगी, एट 28 मीटर पर सेकेंड, एट 28 मीटर पर सेकेंड। तो जरा जल्दी से इसको नोट करो और फिर ऐसा ही सिमिलर एक क्वेश्चन देता हूँ तुम्हें, वो एक बार ट्राई करो। चलो नोट कर लिया होगा, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन तुम्हें मैं दे रहा हूँ, सिमिलर एक जैसा ही है। और क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है इस तरीके से, ये एक्सेलरेशन, ये टाइम, ये जीरो, इसकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है आपको, चलो 2 मीटर पर सेकंड। ये वैल्यू मैं आपको दे देता हूँ अगेन, चलो 10, ये दे देता हूँ आपको 2 सेकंड और ये दे देता हूँ आपको 4 सेकंड। ये 10, ये 2 सेकंड, ये 4 सेकंड, ठीक, 10, 2 सेकंड, 4 सेकंड। अब मुझे भी बताओ, फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी ड्यूरिंग 4 सेकंड, ड्यूरिंग 4 सेकंड मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, जरा पोज करो, जल्दी से ट्राई करो फटाफट, चलो जल्दी से निकाल के बताओ जरा। चलो कर लिया होगा, देखो एक बार। अब हमें इसमें बताना है कि फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी ड्यूरिंग 4 सेकंड, ड्यूरिंग 4 सेकंड मैक्सिमम वेलोसिटी बतानी है। अगेन वही करेंगे कि जब एक्सेलरेशन जीरो होगा, जीरो 4 सेकंड पे होगा, तो कुल मिला के हमें 4 सेकंड पे वेलोसिटी बतानी है। तो क्या हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि v माइनस u एरिया के इक्वल आएगा। ये रेक्टेंगल हो गया 10 × 2, ये 20 हो गया, और ये यहाँ से यहाँ 4, ये 2 × 10 10 × 2 20, और उसका हाफ 10, ये होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो 10 × 2 = 20 / 2 = 10, और ये हो जाएगा 20। तो कुल मिला के 30 आ गया। तो v क्या आया, 30 + u यानी कि 30 + 2 यानी कि 32 मीटर पर सेकेंड, यानी कि लगभग बच्चों का सही आया होगा ये सवाल। तो ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एक अच्छा सा सवाल था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बार जल्दी से इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो जरा एक दो क्वेश्चन और ट्राई करते हैं ताकि और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए एक बार फटाफट। तो मान लो मेरे पास एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है इस तरह से, ये वी है, ये टी है, और ग्राफ है आपका ओ से ओरिजिन हो गया, ग्राफ कुछ ऐसा चला, ये चलो ये हो गया हमारे पास, ये 2, ये 4 और दिस इज 6, 2, 4, 6, और ये पॉइंट मैंने ले लिया 10। इसका इस ग्राफ का मान लो ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, इस ग्राफ का कोरस्पोंडिंग एक्स टी ग्राफ आपने ड्रॉ करना, जरा जल्दी से ड्रॉ करके दिखा दो फटाफट, जल्दी से एक्स टी ग्राफ जरा ड्रॉ करके दिखा दो फटाफट। चलो फटाफट जल्दी जल्दी शुरू करो, चलो कर लिया होगा। देखो एक्स टी ग्राफ इसका हमने बनाना है। अब जरा यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वेलोसिटी लगातार क्या हो रही है, इसकी बढ़ रही है। क्या इंक्रीजिंग वेलोसिटी ग्राफ मैंने तुम्हें बताया था कैसे बनता है, देखो यहाँ से ओ से लेकर ए तक क्या इसकी वेलोसिटी बढ़ते 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 यहाँ मैक्सिमम हो गई है। एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं हम, कैसा आएगा, एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, यानी कि 10 − 0/2, तो 10/2 कितना आएगा, 5 m/s² का एक्सेलरेशन आ जाएगा, और वो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव में कटोरा कहाँ बनता है, एक्सटी ग्राफ में कटोरा ही बनता है ना, ऐसे ऊपर की तरफ, ये तो यहाँ तक ये पॉइंट आ गया हमारा, यहाँ तक ये टाइम हो गया आपका, ये टाइम था, तो ये 2 हो गया, ठीक है, यहाँ तक 2 हो गया। अब क्या ए से लेकर बी तक लगातार वेलोसिटी घट रही है, ए से बी तक वेलोसिटी लगातार क्या हो रही है, घट रही है ना, देखो ये
ए से लेकर बी तक वेलोसिटी क्या हो रही है, घट रही है। घटेगी तो ग्राफ कैसा बनेगा, ये वेलोसिटी घट रही है नीचे और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव एक्सेलरेशन में कटोरा कैसा आता है, नीचे। तो यहाँ से ए ये ग्राफ बनेगा फिर ऐसे, ठीक है, यहाँ आ गया। अब इसके बाद देखो क्या उसने पलटी मार ली, क्या वेलोसिटी नेगेटिव होगी, पलटी मार ली ना, मैंने बताया था वेलोसिटी नेगेटिव तो पलटी, यानी कि बॉडी जा रही थी सीधे और जाकर घूमकर वापस आ गई। तो जरा डिस्प्लेसमेंट हम कैलकुलेट करें तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, 2 × 10 और बाय हाफ, तो 10 ये आ जाएगा और 10 ही आएगा। और ये कैलकुलेट करो 2 और मान लो ये आपको ये भी 10 दे रखा है माइनस का, तो ये भी 10 आएगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जब निकालोगे तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा, यानी कि 10 + 10 = 20 और -10, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 10 आएगा। और यहाँ तक भी टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना था, ये आपका 10 है, ये आपका क्या है, ये 10 है। और उसके बाद लगातार वेलोसिटी नेगेटिव में बढ़ती है और यहाँ पर जाकर मैक्सिमम हो जाएगी, तो ये आएगा आपका 20, ये मैक्सिमम वैल्यू 20 है। अब वो 6 सेकंड तक जाते जाते तो एक बल्टी मार के वापस आ रहा है ना, तो उसका डिस्प्लेसमेंट यानी कि नेट डिस्प्लेसमेंट कितना आना चाहिए, 10। तो घूम कर वो वापस आ जाएगा यहाँ, यानी कि यहाँ से आते आते ये इस पॉइंट पर आके रुक जाएगा, ये इस तरह ग्राफ बन जाएगा, ये यहाँ जाके फिर यहाँ, क्योंकि वापस वो घूम कर आ गया, ठीक है, नेट डिस्प्लेसमेंट जाएगा। तो उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इस ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ये बनेगा, ठीक है। जल्दी से ज़रा नोट करो फटाफट, एक क्वेश्चन करते हैं फिर, लास्ट क्वेश्चन है अपना इसके बाद, चलिए। तो एक ऐसा सवाल है जिसमें आपको तीनों ही ग्राफ ड्रॉ करने हैं और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करने से बाकी ग्राफ कैसे अच्छे से ड्रॉ हो जाते हैं, जैसे क्वेश्चन करते हैं। तो देखो एक ऑब्जेक्ट है जो ओरिजिन से 10 मीटर की दूरी से चलना शुरू करता है विद वेलोसिटी 10 m/s, इसका एक्सलरेशन है a = 2 m/s², वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में, तो हमने बताना है इसका एक्स टी और वी टी और ए टी तीनों ग्राफ ड्रॉ करने हैं। जल्दी से ड्रॉ करो फटाफट एक बार, कंडीशन समझ लो, 10 की स्पीड से मूव करना शुरू करता है 10 मीटर की दूरी से, एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है, दो तीन इसका, इस क्वेश्चन का तीनों ग्राफ बनाओ एक्स टी वी टी और ए टी। जरा पोज करके जल्दी से नोट को ट्राई करो जल्दी से, चलो कर लिया होगा। चलो देखो एक बार, सबसे पहले मैं इसका बनाऊंगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उससे बड़ा आसानी से सब कुछ आ जाएगा। अब गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी निकालूं तो फॉर्मूला आएगा u + at, v = इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है 10, प्लस एक्सेलरेशन है अपोजिट डायरेक्शन में, दैट मीन्स माइनस का, और a कितना दे रखा है 2t। तो इसका मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, टाइम बढ़ता जाएगा तो 10 में से माइनस करेंगे वैल्यू बढ़ते जाएगी, तो वेलोसिटी लगातार घटती जाएगी, घटेगी कि नहीं घटेगी। अगर मैं यहाँ से टाइम निकाल लूँ टी कि किस टाइम पे वेलोसिटी जीरो होगी, तो ये टी कितना आएगा 5, वी जीरो रख दो 10 को उधर ले जाओ टी निकाल लोगे 5 सेकेंड आ जाएगा। और समझना और समझ लो, ये एक्सेलरेशन नेगेटिव है, एक्सेलरेशन का एक्चुअल मीनिंग मैंने बताया था नेगेटिव, जब पॉजिटिव होता है तो उतना इंक्रीमेंट करता है, नेगेटिव तो उतना डिक्रीमेंट कर रहा है, यानी कि हर सेकंड 2 m/s की स्पीड घट रही है, 10 की स्पीड थी हर सेकंड में 2 कम हो रहा है, तो 5 सेकंड में 0 हो जाएगा, यहाँ से टाइम भी आ गया अपना 5 सेकंड। यानी कि अगर मैं इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाऊंगा, इसका मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाता हूँ, तो स्टार्ट कहाँ से हुआ था 10 से जी, ये 10 की वैल्यू आ गई 10 m/s किस स्पीड से स्टार्ट हुआ, और अगर मैं वैल्यू रखूँगा 1 तो कितना आएगा 10 - 2 कितना हो जाएगा 1 रखते ही 8, 2 रखूँगा तो 10 - 4 = 6, फिर ऐसे घटते घटते 5 सेकंड पे आके यानी कि 5 सेकंड पे आके क्या 0 हो जाएगा, और उसके बाद जैसे 5 से ज़्यादा रखूँगा तो वेलोसिटी नेगेटिव में बढ़नी शुरू हो जाएगी, नेगेटिव में इंक्रीमेंट शुरू हो जाएगा, तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया, ठीक है, ये कैसा ग्राफ हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और एक्सेलरेशन लगातार -2 है, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कैसा आएगा, ये ए ये टी,
तो एक्सेलरेशन तो नेगेटिव टू है, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में तो कुछ करना ही नहीं है, एक्सेलरेशन तो कॉन्स्टेंट है थ्रू आउट द मोशन, तो ए हमेशा माइनस टू रहेगा, तो ए टी ग्राफ तो ये बन गया और वी टी ग्राफ यहाँ से ही आ गया। इसके बाद हम बनाते हैं अपना एक्स टी ग्राफ, ठीक है, एक्स टी ग्राफ बनाओ जरा। अब एक्स टी ग्राफ बनाओगे तो जरा यहाँ से देखें इसकी ये रब कर, चलो यहाँ कर लेंगे सॉल्व। एक्स टी ग्राफ मैंने यहाँ ड्रॉ करना है इस सिचुएशन के लिए, अगर मैं इक्वेशन यूज करूँ एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, अब वो 10 मीटर से तो शुरू हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन। अब फाइनल पोजिशन मैंने निकालनी है कि फाइनल क्या होगी आफ्टर 5 सेकेंड, क्योंकि 5 सेकेंड पर उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है जीरो, तो एक्स फाइनल माइनस इनिशियल कितना है 10, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, यू कितना था 10 टी प्लस, 10 टी प्लस हाफ ए कितना है माइनस का 2, तो ये माइनस हो जाएगा माइनस 2 इंटू टी स्क्वेयर, तो ये क्या बन गया एक्स एफ माइनस 10 इज इक्वल्स टू 10 टी, 2 से 2 कट गया माइनस का टी स्क्वेयर, तो एक्स फाइनल क्या आया माइनस टी स्क्वेयर प्लस 10 टी माइनस 10, ये एक्स फाइनल आ गया। यहाँ टी की वैल्यू 5 पुट कर दो क्योंकि 5 पे वेलोसिटी क्या है जीरो, तो हम ये देख लेंगे अप टू जब उसकी वेलोसिटी जीरो होगी तो डिस्प्लेसमेंट कितना कवर कर चुका होगा वो, तो जब यहाँ 5 की वैल्यू पुट करोगे 25 और ये माइनस 10 इधर आके प्लस हो गया था, तो ये आएगा आपका 35 मीटर, कितना आ गया 35 मीटर, यानी कि जब उसकी वेलोसिटी जीरो होगी तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका होगा 35 मीटर। अब यहाँ आ जाओ, 10 मीटर से शुरू हुआ था तो उसका ग्राफ यहाँ से बनना शुरू होगा, ये मेरा कितना हो गया 10 मीटर, यहाँ से ग्राफ बनाना है, यहाँ ग्राफ देखूंगा ये वेलोसिटी क्या है डिक्रीज हो रही है, डिक्रीजिंग वेलोसिटी है, स्लोप डिक्रीज हो गया ना, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन यहाँ नेगेटिव हो गया, नेगेटिव एक्सेलरेशन कटोरा कहाँ होता है, कटोरा कहाँ होता है नीचे, नेगेटिव एक्सेलरेशन कटोरा नीचे होता है, और डिक्रीजिंग वेलोसिटी ग्राफ तो ऐसा ही बनता है ना ए ऐसे, और इस पॉइंट पे जाकर स्लोप बिल्कुल जीरो तो वेलोसिटी जीरो, तो ये जो टाइम आएगा आपका ये 5 सेकेंड आएगा, और ये जो डिस्प्लेसमेंट आएगा ये 35 मीटर आएगा, ये टोटल 35 मीटर आएगा फाइनल पोजिशन। उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है तो ग्राफ ऐसे आ जाएगा, ये बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, 5 सेकंड में वेलोसिटी जीरो, उसके बाद वेलोसिटी नेगेटिव होगी, तो यहाँ देखो स्लोप नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव होगी, इंक्रीज होता चला जाएगा और डिपेंड करेगा कहाँ तक जाएगा, तो ये इसके तीनों ग्राफ हो गए। तो ऐसा एक असाइनमेंट आपके लिए जो आपने ट्राई करना है, और वो असाइनमेंट क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने यहाँ से 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से थ्रो किया है, अंडर ग्रेविटी फेंक दिया, ऊपर गया ऊपर से नीचे आ गया, यहाँ से लेकर और नीचे आने तक के तीनों ग्राफ ड्रॉ करना है आपने, अपना खुद ट्राई करना। तो ये था आज का टॉपिक अपना ग्राफ का, जिसमें मैंने आपको पोजिशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ थोड़ा सा डिटेल में बताने की कोशिश की, आई थिंक समझ में आया होगा सबको, नहीं आया तो एक बार दोबारा वीडियो जरूर देखना, अच्छा लगा तो लाइक करना, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए फिजिक्स करते रहिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।